बालटाल से, दोमेल, दोमेल से रॉयल पथरी, अब रॉयल पथरी से हम बरारी मार्ग पहुंचेंगे। धीरे धीरे यात्रा कवर करेंगे, देशवासियों को दिखाना चाहते हैं कि कितनी खूबसूरत वादियों में बाबा भोलेनाथ विराज है। घोड़े पर सवार लोग जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? बोले जम्मू से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, शिवमय है सारा। पहली बार यात्रा, पहले दर्शन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। पहला जत्था था, पहले दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है गवर्नमेंट ने। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब जी का। चलिए तो हर कोई मोदी का शुक्र करे। बच्चे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? अच्छा लग रहा है। हम दसुआ से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहले दर्शन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए तो पहले दर्शन करेंगे। यात्रा मार्ग पर इस समय हम मौजूद हैं और धीरे धीरे आपको ट्रैक दिखाते रहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, कैसी वहां पर व्यवस्था है। हमने ये भी सुना है आगे आने वाला जो बरारी मार्ग है वहां पर यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन यहां पर भी आपको दिखाना चाहेंगे, राजीव आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये जो CRPF का कैंप है, ये जगह जगह ऐसे कैंप बने हुए हैं। यहाँ पर मेडिकल सुविधा यात्रियों के लिए है। यहाँ पर SDRF की टीम है, इनके अगर बारिश या किसी भी तरह का मौसम खराब अगर होता है या किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है। उनके जवान बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद है और बहुत खूबसूरत वादियाँ आप अगर तस्वीरों में देखें तो बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। हमने जिस भी श्रद्धालु से बात की तो उसका यही कहना था कि एक पंथ दो काज हम करते हैं, हम भोले बाबा के इन खूबसूरत वादियों में दर्शन भी करते हैं और साथ ही साथ इन खूबसूरत वादियों का भी हम लुत्फ लेते हैं। कश्मीर जिसे जन्नत कहते हैं, जन्नत का वो लुत्फ लेते हैं। अब देखिए भारतीय सेना के जवान ये भी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी देने के लिए, कुछ दर्शन करने के लिए। तो बहुत खूबसूरत दर्शन आपने देखे, बहुत खूबसूरत जो दर्शन आज हुए हैं सुबह वो भी आपने देखे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं पहुँचने लगे हैं। पैदल यात्रा वाले भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ साथ ये भी दर्शन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर यात्रा करने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए सर? हम आए अपने श्रीनगर से, बीबीगंज से। तो पैदल जाएंगे, कब तक पहुंचेंगे? अभी दो घंटे में पहुंचेंगे। आप दो घंटे में पहुंचेंगे? हम तो कब से चल रहे हैं अभी तक? आर्मी के ना, हम आर्मी के ना। अच्छा, आर्मी के हो? हाँ, तो आपको ट्रेनिंग है, चल रही है ट्रेनिंग? देखिए आर्मी मैन है इसीलिए तेजी से दो घंटे में भवन पहुंच जाएंगे, 13 किलोमीटर का। हम वापस आएंगे शाम को, ड्यूटी करेंगे शाम को। अगर ड्यूटी भी करेंगे यस, तो कितने घंटे में आप चले जाएंगे? दो घंटे, ढाई घंटे बस, मैक्सिमम दो घंटे पहुंच जाएंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। चलिए बेहतर है भाई, आर्मी के जवान है, सेहत फिट रहती है और तभी दो घंटे में वापस भी आ जाएंगे। बहुत सारे यात्री ट्रैक पे और आ रहे हैं, आधे घोड़े वाले मिले, आधे पैदल वाले मिले, तो यात्रा लगातार चलती जा रही है। लेकिन कुछ समय के बाद यात्रा का जो मेन गेट है वो बंद हो जाएगा, आगे जाने के लिए यात्रा जो बंद हो जाएगी। अब कल दूसरा जत्था जो है सुबह दोमेल से, माफ़ कीजिए, बालटाल से सुबह 4 बजे रवाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, यात्रा मार्ग।